जिले में स्वाइन फ्लू से बचाव के प्रति जागरूकता के लिए एम्स जोधपुर में शुक्रवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्वाइन फ्लू रोग के फैलने और बचाव संबंधी जानकारी से अवगत करवाया। चिकित्सकों ने इस रोग को लेकर फैली भ्रांतियों को भी दूर किया। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। जनता के अंदर काफी डर भी है, तो जो इसके बारे में भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए और लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने आज ये लेक्चर दिया। अगर हम देखें आम आदमी के नज़रिए से, तो सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो उभर के आई हैं कि एक तो हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा है कि अपने हाथों से अपने मुंह को ना छुएं अगर हाथ गंदे हैं, तो इस तरीके से इन्फेक्शन फैल सकता है। आज हमने स्वाइन फ्लू के ऊपर चर्चा करी है, जनता को जागरूक किया है इसके बारे में, क्योंकि जोधपुर में फ्लू काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, कुछ डेथ्स भी हुई हैं, तो ये बताया गया कैसे फैलता है, ये होता क्या है, इसका इलाज कैसा है, कैसे हम बचाव रख सकते हैं इससे, और घबरा अगर कोई लक्षण आता है तो कब डॉक्टर के पास जाए, टेस्टिंग कब करी जाती है, कुछ भ्रांतियाँ हैं थी मरीजों या लोगों के दिमाग में, उसको दूर करा गया है जोधपुर से। और आज हमने स्वाइन फ्लू के ऊपर जो सेमिनार अटेंड किया है, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छे तरीके से हमें सब कुछ समझाया गया, हमें पता चला कि इसके लक्षण क्या है। वैसे तो हम पहले ये सब पढ़ चुके थे, बट अब डिटेल में हमें जानने का मौका मिला है। इस दौरान स्वाइन फ्लू से हमें घबराना नहीं है, ये वायरस है डेफिनेटली, पर इसका इलाज भी संभव है, जो कि एक तरह से प्रिवेंशन ज़्यादा है, मतलब हमें बचाव करना है ताकि इस बीमारी से हम सब बच सकें, और उसको ही समझने के लिए आज हम लोग यहाँ आए थे। तो सबसे पहला है हैंड वॉश हाइजीन, उसके हमें हमेशा विशेष ध्यान रखना है, संक्रमित लोगों को जो है उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके हमें इससे बचाव किया जा सकता है।